गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रवीना शेखावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर एज शेखावत बैंकर्स। फ्रेंड्स, एज ऑलवेज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक करंट अफेयर सेशन। अगर आपको एक करंट अफेयर सेशन अच्छा लगे देन प्लीज कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से राज्य ने किसानों के लिए किसान फसल राहत योजना शुरू की है? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए किसान फसल राहत योजना शुरू की है। झारखंड की यह किसान फसल राहत योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगा। यह योजना एक मुआवजा योजना है जो प्राकृतिक खतरों के कारण फसल क्षति के मामलों में झारखंड के किसानों को सुरक्षा प्रदान करेगी। यह योजना इम्प्लीमेंट की गई है कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा और रैपिड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। यह योजना प्रमुख है जो धान उगाने वाले किसान हैं उनको टारगेट करती है, उनको ध्यान में रखे यह योजना बनाई गई है और 3000 से लेकर 3500 रुपये प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति दी जाएगी। झारखंड की राजधानी है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। जिले हैं 24, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। और जो ये झारखंड है, झारखंड का राज्य पक्षी है कोयल, राज्य पुष्प है प्लास और राज्य वृक्ष है साल। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, सोलर एनर्जी फर्म ओकरीज एनर्जी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ स्कूलों को सोलराइज करने के लिए समझौता किया गया है? ऑप्शंस है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है दिल्ली। सोलर एनर्जी फर्म ओकरीज एनर्जी ने दिल्ली के साथ स्कूलों को सोलराइज करने के लिए समझौता किया है। 2020 में ओकरीज ने दिल्ली में शिक्षा विभाग के लगभग 15 स्कूलों को सोलराइज किया, जिसमें लेडी इविन कॉलेज में ओकरीज एनर्जी की 217 किलोवाट की दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शामिल थी। यह सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का शौरीकरण दिल्ली शौर नीति 2016-20 के तहत की गई थी। इसके अलावा जो ओकरीज एनर्जी है यह 2022 तक दिल्ली के 1000 स्कूलों को और जो शैक्षण जो संस्थान है उनको सोलराइज करने का लक्ष्य रख रही है। ओकरीज एनर्जी इसके सीईओ हैं स्वर्ण संपत और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। जिले हैं दिल्ली में 11, राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 7 सीटें हैं। इसमें वन्यजीव अभयारण्य है असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य जो कि अरावली पहाड़ी श्रृंखला में है। इसके अलावा बांध दिल्ली बांध जिसे हार्डविक डैम के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट प्लेस है इसमें कमल मंदिर, हुमायूं का मकबरा, कनॉट प्लेस, अक्षरधाम मंदिर और इंडिया गेट। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के 38वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं पी रवि कुमार, टी एम विजय भास्कर, आदित्यनाथ दास, सुरेश चंद्र महापात्र। इसका राइट आंसर है पी रवि कुमार। पी रवि कुमार को कर्नाटक का 38वां मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और ये आईएएस अधिकारी हैं पी रवि कुमार, जो कि कर्नाटका के 38वें मुख्य सचिव बने हैं और इन्होंने टीएम विजय भास्कर की जगह ली है। जो पी रवि कुमार हैं ये कर्नाटक कैडर के अधिकारी 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और सीएम है बीएस येदियुरप्पा। राज्य जिले हैं इसके 31, लोकसभा की 28 सीटें हैं और राज्यसभा की 12 सीटें हैं। इसके अलावा कर्नाटक का राज्य पक्षी है भारतीय रोलर, राज्य पुष्प कमल और राज्य वृक्ष है चंदन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, सबरीमाला
विजयना कोशम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं आरिफ मोहम्मद खान, के एस विजयनाथ, एस श्रीजीत और पिनराई विजयन। इसका राइट आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने सबरीमाला विजयना कोशम नामक पुस्तक का विमोचन किया जो कि के एस विजयनाथ द्वारा लिखित है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया? इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया। कर्नाटक अभी जस्ट पीछे हमने किया। इसके अलावा कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, सीएम है बी एस येदियुरप्पा, जिले हैं 31, कर्नाटक की लोकसभा की 38 सीटें हैं और राज्यसभा की 12 सीटें हैं और कर्नाटक में नए सीएस मुख्य सचिव पी रवि कुमार बने हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में फायर सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन क्लाम 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली भारतीय पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं मनास्टु स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, स्काई, यह है स्काई रूट एरोस्पेस और है ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस। यह भारत की पहली कंपनी बनी है फायर सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन क्लाम 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली। यह सॉलिड फ्लूडेड रॉकेट चरण का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास और परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बनी है। जो क्लाम 5 है यह क्लाम सीरीज का पहला सॉलिड रॉकेट मोटर्स है और 4 जो रॉकेट मोटर्स हैं उनके परीक्षण होंगे 2021 तक। क्लाम 5 सॉलिड फ्लूडेड रॉकेट इंजन में थ्रस्ट रेंजिंग 5 किलो न्यूटन से लेकर 1000 किलो न्यूटन तक है। ये रॉकेट मोटर्स एडवांस कार्बन जो कॉम्पोसाइट स्ट्रक्चर यूज करते हैं जो स्टील की तुलना में 5 गुना हल्के होते हैं और रॉकेट की इफिशियंसी में सुधार करने में मदद करते हैं। क्लाम 5 विक्रम फर्स्ट लॉन्च व्हीकल के तीसरे चरण का छोटा वर्जन है। जो ये स्काई रूट एयरोस्पेस है इसके सीईओ हैं पवन कुमार चंदना और सह संस्थापक हैं नागा भारत डाक और हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसीसी ने इसरो चेयरमैन के सिवन को अंतरिक्ष सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में कितने समय के विस्तार को मंजूरी दी है? इनको एक्सटेंशन मिला है। इसके ऑप्शंस हैं 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष। इसका राइट आंसर है 1 वर्ष। एसीसी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इसरो के चेयरमैन को 1 वर्ष का समय और बढ़ा दिया गया है। अब 14 जनवरी 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके अध्यक्ष के सिवन कैलाश वादियू सिवन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। के सिवन के बारे में, के सिवान 1982 में इसरो में शामिल हुए थे और इनको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। इनको श्री हरिओम आश्रम प्रेरणा डॉक्टर विक्रम साराभाई रिसर्च अवार्ड 1999 में मिला। इसके अलावा इनको इसरो मेरिट अवार्ड 2007 में मिला। डॉक्टर बीरेन रॉय अंतरिक्ष विज्ञान 2011 में यह अवार्ड मिला और एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2019 में मिला। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईईटी से एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किसे मिला है? इसके ऑप्शंस हैं आलोक शर्मा,
विनोद कुमार, अनिल कुमार नायक, प्रणय शर्मा। इसका राइट आंसर है विनोद कुमार। विनोद कुमार को आईईटी से एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड मिला है। आईईटी इंजीनियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। जो विनोद कुमार ये कौन है, ये है अध्यक्ष और सीईओ कहाँ के, रेलवे बोर्ड के। और जो आईईटी, यह 150 देशों में 168,000 से अधिक सदस्यों के साथ दुनिया का सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। और इसकी स्थापना 1871 में हुई। इसका हेड ऑफिस है स्टीवन, यूके में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 6वें डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 को एक वर्चुअल समारोह के जरिए समापन किया। इसके ऑप्शन है वेंकैया नायडू, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, रामनाथ कोविंद। इसका राइट आंसर है रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6वें डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में एक वर्चुअल समारोह के जरिए अवार्ड्स दिए हैं और समापन किया। ये जो अवार्ड्स हैं, ये 7 श्रेणियों के तहत सरकारी संस्थाओं द्वारा 24 डिजिटल गवर्नेंस पहल को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के जरिए दिए गए। मीन्स इसके जरिए जो सरकारी संस्थाओं ने जो पहल स्टार्ट की थी, उनको अवार्ड दिए गए हैं। जैसे डिपार्टमेंट इन डिजिटल गवर्नेंस मिनिस्ट्री, जो ये सेंटर की श्रेणी है, इसमें डाक विभाग को स्वर्ण आइकन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और जो बिहार ने एक आपदा संपूर्ति पोर्टल स्टार्ट किया था, इसको सिल्वर आइकन मिला है। और यह इनोवेशन इन पैंडेमिक की श्रेणी में आता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में ई कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को प्लेटिनम अवार्ड मिला है। और यह एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेंट्रल श्रेणी में मिला है। इसके अलावा हरियाणा ने भी प्लेटिनम आइकन अवार्ड जीता है, यह एक्सीलेंस इन डिजिटल गवर्नेंस की श्रेणी में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, इंडिया कोस्ट गार्ड ने कितने एशियाई देशों के साथ समुद्री खोज और बचाव कार्यों के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके ऑप्शन हैं 7, 9, 10, 5। इसका राइट आंसर है 7। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 7 एशियाई देशों के साथ समुद्री खोज और बचाव कार्यों के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।